ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इसको फिर से क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटो केमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स, पहला है ए सिंगल मोनोक्लोराइड, दूसरा है थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, और तीसरा है फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ज़रा करना शुरू करिए, फिर मैं समझाता हूँ दो मिनट में। बस इसमें देखिए कह रहा है कि पेंटेन है, पांच कार्बन वाला है ना, पेंटेन हुआ। अब फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करें तो सिंगल मोनोक्लोराइड, क्लोरीन अगर एक जगह लगती है, ठीक है ना, तो चाहे कहीं भी लगे पर नाम सेम आए। तो सिंगल वाले में हमने आपको ये बताया था नियोपेंटेन, तो कहीं भी लगाओगे तो या चाहे यहाँ लगाओ, तो अगर यहाँ पे सपोजिंग अगर क्लोरीन यहाँ पे हमने लगा दिया तो इसका नाम होगा 1-chloro-2-2-dimethyl-propane। और अगर मान लो ऊपर लगा देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पे सी एल लगा दे, तब भी कहेंगे 1-chloro-2-2-dimethyl-propane। कहीं भी इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, कहीं भी। तो इसका आंसर हो गया नियोपेंटेन, कॉमन नेम में आप वैसे आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं 2-2-dimethyl-dimethyl-propane। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। पूरा आ रहा है इसमें, पूरा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आंसर है आपका 2-2-dimethyl-propane हो गया। अब जो सेकंड वाला केस कह रहा है थ्री आइसोमेरिक, तो अगर सीधी चेन ऐसे बना दो एन पेंटेन, यहाँ पे लगेगा तो अलग नाम, यहाँ पे लगेगा अलग नाम, यहाँ पे लगेगा तो अलग नाम, बट अगर यहाँ पे लगेगा तो वही सेम हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा तो सेम हो जाएगा, तो इसमें एन पेंटेन हो जाएगा सेकंड केस में। अब फोर वाले में आइसोपेंटेन ले लेंगे क्योंकि ये यहाँ ब्यूटेन, हाँ आइसोपेंटेन है, 2-methyl-butane कहेंगे से। क्लोरीन यहाँ लगेगा अलग नाम, यहाँ लगेगा अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, बट यहाँ और यहाँ एक ही बात है, तो चार डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसके केस में आइसोपेंटेन। मिथाइल ब्यूटेन उतारे, उसका नाम था नियोपेंटेन। एन से नॉर्मल सीधी चेन, ये इसको नॉर्मल पेंटेन उतार लीजिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ रिएक्शंस और करते हैं। एक कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, उनको हटा देते हैं।
एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, अब इधर H लगा है, इधर भी H लगा है, इसको अगर एल्कोहलिक क्यू एच दोगे तो इधर का सी एल और इधर का H हट जाता है, यू विल गेट एन एल्कीन ब्यूट टू इन। इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1, 2, 3, 4 इसमें सेडजेफ रूल लग रहा है, ठीक है। अगर क्लोरीन इधर वाले के साथ निकलता तो डबल बॉन्ड इधर आता, बट क्लोरीन इधर वाले हाइड्रोजन के साथ निकलेगा हमेशा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, ठीक है। देयरफॉर ऑन डीहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ हेलो एल्केन वी ऑब्टेन एन एल्कीन विच इज मोर एल्काइलेटेड। बताइए दिखाओ। इसमें ब्रोमीन ऊपर जुड़ जाएगी, ये जो है ना डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर सी सी एल हाँ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में यहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, तो यहाँ से हटेगा, यहाँ बी आर लगा तो चाहे नीचे लगा दें एल्काइल एलाइल पोजिशन पे। हाँ जी, हो गया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब इधर का जा रहा है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे इधर भी अल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड वाले पे इधर भी है, ठीक है, तो मोर स्टेबल। बट अगर इधर का एच जाता तो ये कंपाउंड ये बनता, इस पर एच होता, इस पर भी एच होता, तो इस कार्बन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होता तो लेस स्टेबल, ठीक है। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, ये कौन कह रहा है, सेडजेफ रूल। जब भी डीहाइड्रोहैलोजनेशन होगा, इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्यों कह रहे हैं बीटा एलिमिनेशन, जिसके ऊपर लगा हुआ है वो अल्फा है, उसका पड़ोसी बीटा होगा, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से, बट ये इधर वाले बीटा से इससे लेगा ताकि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बने, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन वो भी पूछ लिया जाएगा, राइट डी हाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, डी माने हटना, हाइड्रोजन और हैलोजन, एक तरफ से हाइड्रोजन हट रहा है, एक तरफ से हैलोजन हट रहा है, तो इसलिए इसको डी हाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ध्यान रखना है कि एल्कोहलिक क्यू एच के प्रेजेंस में होगा, एक्वस में क्या होता है ओ एच लग जाता है। इसको उतार लो फिर, मैं यहाँ पे ये उतार लिया ना सिर्जन पता, एक रिएक्शन और होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, उसमें अगर एक्वस के ओ एच दोगे तो ओ एच लगता है, अगर आपका कंपाउंड ये है और इसको एक्वस के ओ एच दे दिया वाटर में के ओ एच, तो ये ओ एच हो जाएगा, यहाँ पे के सी एल अलग हट जाता है।
हेलो एल्केन को एल्कोहल में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं. दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट हेलो एल्केन इनटू एल्कोहल. ठीक है, और नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, उतार लिया सबने. प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर एक्स को एम जी दे दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो आर एम जी एक्स बन जाता है. इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एक्स क्या है? हैलोजन है. आर क्या है? एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, तो इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं. ये कॉमन एग्जांपल है, क्या हटा दे. मान लो CH3Cl है और उसको Mg के साथ रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो ये CH3MgCl बन जाएगा. तो इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. क्लोराइड है, हाँ, और वैसे इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाएगा. ठीक है, अगर मान लो C2H5Br होता, उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करते ड्राई इथर में, तो क्या होता? C2H5MgBr, तब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं ये सिंथेटिक, मतलब है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है. तो सिंथेटिक इंटरमीडिएट कहा जाता है, ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंटरमीडिएट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम एल्कोहल्स वगैरह बना लेते हैं, कीटोन एल्डिहाइड से एल्कोहल्स बना. इसमें कार्बन बढ़ाने का काम होता है. तो जब इसके आगे रिएक्शंस आएंगे तो और क्लियर होगा. एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस. हम यहाँ पर ड्राई इथर ले रहे हैं, अगर पानी थोड़ा सा भी आ जाएगा तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके ये एल्केन बन जाएगा और MgOHCl अलग हो जाएगा. तो ये ऊपर वाला हटा के वहाँ पे लिख देते हैं. क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस. आंसर में लिखेंगे एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एन एल्कीन. उसका एग्जांपल लिख लेते हैं. CH3
MgCl है, इसको वाटर अगर दे दोगे तो ये मीथेन बन जाएगा, ठीक है। प्लस Mg के साथ एक तरफ OH लग जाएगा और एक तरफ Cl, वाटर का H चला जाएगा इसके साथ, वो मीथेन बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रह ही नहीं जाएगा, वाटर से रिएक्ट करके तुरंत ही एल्केन बन जाता है। इसलिए पानी नहीं देना चाहिए, इसीलिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही बनाया जाता है। उतारो, जो दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं वो एम्बिडेंट होते हैं। दो सेंटर्स होते हैं पर अटैक एक ही तरफ से करेगा। मान लीजिए SCN है तो इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी है, या तो S से देगा या N से। हम एम्बिडेक्स्ट्रस होते हैं, दोनों हाथ से झापड़ मार सकते हैं पर मारते एक ही से, या तो राइट से या लेफ्ट से। हम दोनों हाथ से लिख भी सकते हैं पर एक बार में एक ही से लिखते हैं। तो जिसके पास दो तरफ लोन पेयर हैं पर देगा एक ही तरफ से एक बार में, तो एम्बिडेंट। और डाइडेंटेट कब होगा? जब दोनों तरफ से दे देगा, तो ये एम्बिडेक्स्ट्रस है, ये एक ही तरफ से देगा, ठीक है। ये हटा दे नीचे वाला। वुड्स रिएक्शन आप लोग ने 11th में भी पढ़ा था। वुड्स रिएक्शन का काम क्या है? यस, अगर कोई एल्केन बनाना है हेलो एल्केन से तो वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं, कार्बन विल बी डबल्ड, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन C2H5Cl प्लस 2Na प्लस C2H5Cl, इधर का Cl, इधर का Cl और Na, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यू विल गेट C4H10 प्लस 2NaCl, ठीक है। दिस रिएक्शन डबल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म एन एल्केन फ्रॉम हेलो एल्केन। इट इज सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिकॉज इन केस ऑफ ऑड, इन केस ऑफ कार्बन एटम्स, इन केस ऑफ कार्बन एटम्स या इन केस ऑफ एल्केन हैविंग, इन केस ऑफ एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ए मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। मिक्सचर हम कभी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसको सेपरेट करने में एनर्जी, टाइम एंड मनी तीनों चीज़ें लगती हैं, तो बेटर है कि प्योर बनाया जाए। जी इवन नंबर में कार्बन
यहाँ पे दोनों C2 हैं, अगर C3 होता तो C6 वाला बन जाता, तो वो इवन है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इवन होना चाहिए। अगर ऑड वाला लोगे, जैसे मान लो C5 वाला लेते हैं, इसको ऊपर वाले को हटा दें, मान लो आपको बनाना है C5 वाला, ये बनाना है C5H12 प्लस 2NaCl, तो आप एक 3 कार्बन वाला लोगे C3H7Cl और एक 2 कार्बन वाला लोगे C2H5Cl ड्राई इथर में। अगर एक इसका और एक इसका टकराएंगे तो ये बन जाएगा, बट दो इसके इससे टकरा गए तो 6 वाला बनेगा, दो इसके टकरा गए तो 4 वाला बनेगा, ठीक है ना। इसके दो टकरा गए तो C6H14, इसके दो टकरा गए तो C4H10, ये भी बनेगा 4 वाला भी, 5 वाला भी, 6 वाला भी। बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होंगे, सेपरेट करने में मुश्किल होगी, मिक्सचर मिलेगा। तो ऑड वाला अगर प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो वुड्स रिएक्शन से बनाना सूटेबल नहीं है, किसी और मेथड से बनाओ वो बेटर है, पर इवन वाला इससे बनाओ दैट विल बी बेटर, ठीक है। उतार लो इसको। वुड्स फिटिंग मालूम है आप लोगों को रिएक्शन, या फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग नाम सुने हुए हैं, चलो बताते हैं। ऊपर वाला उतार लिया और ये नीचे वाले, ऊपर वाले पे यहाँ पे वुड्स फिटिंग कर देता हूँ। पहले फिटिंग बता देता हूँ, फिटिंग रिएक्शन। वुड्स वाला ओपन चेन के लिए है, फिटिंग वाला बेंजीन के ऊपर है। मान लो ये है रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन है और 2Na के साथ एक और क्लोरोबेंजीन दे दी, ये ClCl हट जाएगा, यहाँ से Na भी हट जाएगा और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको ये दोनों बेंजीन जो आपस में जुड़ जाएंगी, इसका क्या नाम होगा, डायफिनाइल भी कहते हैं, हाँ, या बायफिनाइल या डायफिनाइल, ठीक है। अगर एक को हम फिनाइल कहते हैं दूसरे को बेंजीन कह सकते हैं, तो 1 फिनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, पर वो ऐतराज करेगी हमें फिनाइल क्यों कह रहे हो, उसको कहो इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करने के लिए दोनों ही डायफिनाइल, ठीक है। प्लस 2NaCl अलग हो जाएगा। तो ये फिटिंग हो गया, एक है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन, मान लो CH3Cl है, प्लस 2Na ले लिया और एक क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसका Cl इसका Cl हट जाएगा Na के साथ और वो इस पर चिपक जाएगा, हाँ CH3, और ये बेंजीन आ गया इसके ऊपर, टॉलिन बन गया और 2NaCl, ये टॉलविन हो गया। हाँ जी, ये खाली फिटिंग है, दोनों ही जब बेंजीन के ऊपर वाले पे हो रहा है तो फिटिंग, एक ओपन एक क्लोज्ड तो वुड्स फिटिंग, दोनों ही ओपन होते हैं तो वुड्स, ठीक है। हटा दें इस,
इसको टॉलविन भी कह सकते हो, इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, इसको डाइफिनाइल भी कह सकते हो, बाइफिनाइल भी कह सकते हो, ठीक है, बता दें। आपने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन 11th में भी पढ़ा है, उसको भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, मान लीजिए बेंजीन है, इसको CH3Cl दे दिया, एनहाइड्रस AlCl3, क्या होगा कि इसका Cl जो है इसके H के साथ HCl बन जाएगा और ये CH3 वहाँ लग जाएगा। कहीं भी लगा सकते हैं, पर हम लोग की आदत है ऊपर ही लगा देते हैं, कहीं भी लगा दो वो तो टॉलिन ही कहलाएगा, HCl लग जाएगा। दो कार्बन वाला भी हो सकता था, ठीक है, बट ये एल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो इसको कहते हैं एल्काइलेशन। एक होता है एसाइलेशन, बेंजीन पे H3COCl दे दिया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, हीट भी करते हैं। इसमें नहीं ले सकते क्योंकि ये फ्रिडल क्राफ्ट ने जो है ना इसको यूज़ किया था, इसलिए इसमें फ्रिडल में कराया जाता है ऐसा। एसीटोफिनोल, आप रुक जाइएगा, इसको एसीटोफिनोल का IUPAC नेम क्या हो सकता है? सक्षम शिवम, थोड़ा थोड़ा ठीक है। एश्विन कुछ बताना चाहेगा? कबीर सेम, हाँ आप बताइए, आप बताइए, फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन है, तो जो कीटोन है उसको नंबर कम देना चाहेंगे तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि वो क्लोज चेन है इसलिए इसको तो अलग करना। मेन चेन ये ओपन वाली हो गई, इथानोन हो गया, ये फिनाइल हो गया, पर पहले कार्बन तो 1-फिनाइल इथानोन, 1-फिनाइल इथानोन, इज इट ओके? उतारो ये सारी चीज़ें, उतार लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं आपको करना है। इसको उतार लीजिए पहले, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करके दिखाइएगा मेरे को। हो गया, ऊपर वाला हटा दे। देखिए किसी एल्केन पे अगर क्लोरीन लगानी है तो उसका रिएक्शन आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए CH4 है, इसको क्लोरीन देनी है तो किसमें दोगे? सनलाइट में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा, या HNU भी लिख देते हैं तो CH3Cl हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन ये हमने ले लिया, एक केस और दूसरा देखते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आप लोगों को मालूम है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में से एक कार्बन कम करना है तो सोडा लाइम से हीट कर देते हैं, CH3COONA है, ठीक है, इसको NaOH एंड CaO के साथ हीट कर दो, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं,
इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्विक लाइम है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडा लाइम कह देते हैं। इसमें क्या होगा, एक कार्बन कम होगा, CH4 हो जाएगा और Na2CO3, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, एक कार्बन कम, ये CONa वाला हट जाएगा, इसका H यहाँ आ जाएगा और ये Na2CO3 हो जाएगा। तो टू डिक्रीज वन कार्बन एटम, टू डिक्रीज वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम कम करना है तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर लेते हैं। हाँ हाँ दे देंगे, ब्रोमीन भी दे सकते हैं, पर क्लोरीन के साथ ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि ब्रोमीन जो है फिर उसको कंट्रोल मत करना थोड़ा मुश्किल है, क्लोरीन को, हाँ क्लोरीन जल्दी आसानी से समझती है। हो गया ये, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ वो आपको करना है। कन्वर्ट मीथेन इंटू इथानॉल, मीथेन को इथानॉल में कन्वर्ट करिए, ये क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। बन रहा है कुछ है भाई, एक के दो करने तो वुड्स तो लगेगा ही, और वुड्स जब ही लगे जाए वह हेलोएल्केन बने, तो मीथेन को क्लोरोमीथेन कैसे बनाओगे, सनलाइट, क्लोरीन दोगे सनलाइट में, दे दो पहले इथेन तो बनाओ। ये मीथेन था, आपने इसको क्लोरीन दे दी सनलाइट में और ये CH3Cl बन गया। CH3Cl को आप यहाँ पे Na लिख दो, ड्राई इथर लिख दो, वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, वो ज़रूरत नहीं होती, तो ये C2H6 हो गया। हाँ जी, हाँ सर, इसको अल्कोहल बनाना है तो C2H6 को पहले क्लोरीन देनी पड़ेगी सनलाइट में, तो ये ऐसे लिख दिया जाता है कन्वर्जन में, एरो के ऊपर ही लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पे एरो के ऊपर लिख दिया ना, तो अंडरस्टूड है कि इसको वुड्स रिएक्शन किया जा रहा है। अब इसको क्लोरीन दे रहे हैं सनलाइट में तो C2H5Cl हो जाएगा और फिर एक्वस KOH। तो ये रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे जो मैंने लिखवाए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, ये रिएक्शंस आपको अगर याद हो जाते हैं तो हर तरह के कन्वर्जन आप कर पाओगे। तो अभी लिमिटेड रिएक्शंस मैंने दिए, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन एक दिया है, ठीक है इसको कर लो, एक क्वेश्चन छोटा सा और देंगे क्योंकि दो चार रिएक्शंस और भी लिखवाए हैं तो उसके ऊपर बेस्ड होगा वो क्वेश्चन। ये ऊपर वाला हटा दे, ये उतार लो आप लोग। इथानोइक एसिड इनटू मीथेन इनटू मीथानॉल, कन्वर्ट इथानोइक एसिड इनटू मीथानॉल करिए।
जर राजेश सर को बुलाना, राजेश सर, राजेश सर हैं, कहना 2 मिनट सर बुला रहे हैं। ये फैन नहीं चल रहा है, पर और सब करने के बाद ये फैन नहीं चला। हाँ कह बाद में देख लेगा। हाँ ठीक, इथानोइक एसिड को मीथानॉल में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पहले तो एक कार्बन कम करना है तो वो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, फिर क्लोरीन दोगे, मीथेन बनेगा ना, फिर क्लोरीन दोगे। ये हटा दे, ये हटा दे, बस समझाता हूँ मैं। देखिए इथानोइक एसिड जो है ना, वो ये CH3COH है, इसको जब NaOH और CaO दोगे ना तो ये Na लग जाएगा अपने आप ही, और फिर फर्दर जब और रिएक्शन को हीट करोगे ना तो ये मीथेन मिल जाएगा। इज इट ओके? सोडियम कार्बोनेट को नहीं दिखाना, बाय प्रोडक्ट नहीं दिखाना। अब आपको मीथानॉल चाहिए तो इसके अंदर फिर क्लोरीन चाहिए होगा, क्लोरीन सनलाइट में दे दो तो CH3Cl बन गया। अब इसको OH करना है, एक्वस की OH दे दो। इज इट ओके? ठीक है। अगर आपको क्लोरोइथेन को कन्वर्ट करो इंटू इथीन, क्लोरोइथेन को इथीन में, तो कैसे करोगे? सोडियम एल्कोहलिक यूज करो, डिहाइड्रोलाइजेशन, तो एल्कोहलिक के वे ये Cl है, इधर का एच इधर का Cl हट जाएगा अपने आप, एल्कोहलिक के वेच दब दोगे। क्लोरोइथेन टू इथीन बनाना है तो ये रिएक्शन, तो जो रिएक्शंस मैंने दिए हैं इनको याद करना, लिख लिख के याद करिए इन रिएक्शंस को, एक प्रॉपर शीट पे लिख के जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे लगा लो और इनको याद करो। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा आपको पैटर्न बताया कि इन रिएक्शंस को कैसे हम कन्वर्जन में यूज़ करते हैं। तो 12th में कन्वर्जन्स बहुत सारे हैं, इसी चैप्टर में 25 कन्वर्जन्स हैं आपके बुक में देखेंगे, इस चैप्टर के बैक में। तो अभी तो और रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन है, यहीं तक रखते हैं। ओके।